नमस्कार फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के एक ऐसा नाम कि जो कि सभी कलाकारों के लिए एक बेंचमार्क है और सपना होता है सभी कलाकारों को कि हमें जीवन में एक बार दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल जाए। अब मैं बात करूंगा उदित नारायण फैंस क्लब की, जिसके नौ नियुक्त संरक्षक और अध्यक्ष भरत सिंह जी। दादा साहब फाल्के उन कलाकारों के लिए कि जो कि अपने जीवन में वो पैठ बनाना चाहता है कला के क्षेत्र में और अपनी कला को पूरी दुनिया में और पूरे भारत को दिखाना चाहते हैं, उसके लिए जीता जागता दादा साहब फाल्के। हम लोगों ने ये बात इसलिए कही क्योंकि हम लोग उन कलाकारों को मदद करते हुए इस क्लब से देखा है और खासकर भरत सिंह जी की तरफ से कि जो कलाकारों को मदद करके जमशेदपुर की धरती से, लौह नगरी से मुंबई उन कलाकारों की नगरी में पहुंचाया और आज वो नाम बेशुमार कमा रहे हैं। तो मैं आज उन्हीं से कहूंगा, सबसे पहले इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से बहुत बहुत बधाई क्योंकि आपको उदित नारायण फैंस क्लब की जिम्मेवारी दी गई है। क्या कहना चाहेंगे आप आज इस दिवस पर उन सब कलाकारों को? उदित नारायण फैंस क्लब का आज मुझे मुख्य संरक्षक बनाया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे भाई विशाल एवं मनोज जी, उनके पूरी टीम को, के जी को, कि जैसे अपेक्षा के साथ आप लोगों ने मुझे मुख्य संरक्षक का दायित्व दिया है, उसको ताउम्र मैं बहुत ही अच्छे तरीके से निभाऊंगा और जहां आपका एक कदम बढ़ेगा मैं वहां दो कदम निश्चित बढ़ाने के लिए अग्रसर हूँगा। उदित नारायण जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मुंबई में जाकर मिला, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है और जो व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है वो आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देता है, एक मार्गदर्शन देता है, एक आशीर्वाद देता है कि कितने भी गम आए, कितने भी उतार चढ़ाव आए, अपने जीवन में उसे मुस्कुराते हुए पार कर जाओ, आने वाला कल आपका है, आने वाली मंजिल तक आप पहुँच जाओ। मैं बधाई देता हूँ तमाम नौजवान साथियों को जिन्होंने क्लब का निर्माण कराया, चूँकि हर व्यक्ति का कुमार सानू जी या रफ़ी साहब या हर कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं जमशेदपुर में, सिर्फ और सिर्फ उदित नारायण जी के ही क्लब का निर्माण नहीं हुआ था। मैं इस बात को लेकर विशाल जी एवं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो कि 15,000 से गाने जो है उन्होंने अन्य तमाम भाषाओं में गाए हैं। कम ही लोग होते हैं जिन्हें मंच मिलता है, कम लोग होते हैं जिनको ख्याति मिलती है, कम लोग होते हैं जिनके हिट गाने होते हैं। लोग आते हैं, बनते हैं, संघर्ष लोग करते रहते हैं, जो निरंतर संघर्ष करते रहता है वो मंजिल को पा लेता है। उनमें से एक व्यक्ति उदित नारायण जी हैं। मेरी शुभकामना है, मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि उन्हें लंबी आयु दे, दीर्घायु दे, स्वस्थ दे। उनके गाने हम गुनगुनाते रहें, हमारी आने वाली पीढ़ी गुनगुनाए, उनके जब पीढ़ी जब पीढ़ी गुनगुनाते रहें। जी सर, एक लास्ट नोट है कि क्या आने वाले दिनों में जो कलाकारों को आप इस तरह से झारखंड से लेकर बॉलीवुड तक ले जाने का आपने एक ब्रिज बना दिया है और आने वाले दिनों में आप एक ऐसा बेंचमार्क स्थापित करते जा रहे हैं और अपने इस व्यस्ततम समय में से शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज सेवा हो, राजनीति हो, इन सब के दौरान आप टाइम निकालते हैं और उन लोगों को दिलों पे राज करते हैं जो कला और समाज सेवा से प्रेम रखते हैं। तो आने वाले दिनों के जो कार्यक्रम है उसके विषय के साथ साथ इतना समय कैसे निकल पाता है सर? देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को लगन के साथ में करते हैं, आपकी चाहत अगर रहती है, ताकत को लगाना होगा, जुनून पैदा करना होगा और या मान के चलिए जो पागलपन है ना, पागलपन पे अगर आप में है तो आप मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। सवाल ये उठता है कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, किन चीज़ों को पाना चाहते हैं। अगर संगीत से आपकी मोहब्बत है, अगर आप उससे प्यार करते हैं तो आपकी आत्मा आपको परमात्मा से मिला देगी। अब मेरी कोशिश रही है कि जमशेदपुर में मैं उन तमाम लोगों को लेकर आऊँ जिन्हें मैं चाहा, जिनके गाने मैं आज भी गुनगुनाता हूँ, चाहे कुमार सानू जी हों, विनोद राठौर जी हों, मोहम्मद अजीज साहब हों, अनवर हुसैन जी हों, शब्बीर कुमार जी हों, पंकज उदास जी हों, चंदन दास जी हों, ऐसे न जाने कितने अनगिनत लोगों को मैं यहाँ पर लेके आया, लोगों से रूबरू कराया। सरोज खान जैसे डांस एकेडमी हमने यहाँ पर स्थापित की, उनके बेटे राजू खान जी टैरेंस लुइस डांस के क्षेत्र में जिन्होंने ख्याति प्राप्त की, उसे तमाम लोगों को मैं यहाँ पर लाने का काम किया। आने वाले समय में फिर से मैं डांस झारखंड, डांस बॉयस ऑफ झारखंड और मिस्टर एंड मिस मिशेस की भी मैं प्रतियोगिता करा रहा हूँ, जो कि बहुत ही अपने आप में अपने समय पे इन जितने भी लोग हैं सभी ना सभी किसी न किसी रूप में उससे जुड़े हुए रहे, सनराइज इवेंट मैनेजमेंट इंडिया के तहत। और मैं
इसका जो है सबसे अच्छी चीज की अगर है आप में दम तो मंच देंगे आप, ये हमारा टैगलाइन रहता है। और मेरी कोशिश रहती है कि यहाँ की आबो हवा को, यहाँ की जो माटी है, यहाँ की माटी की खुशबू को, यहाँ के जो भी प्लेयर है, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, डांस के क्षेत्र में हो, सिंगिंग के क्षेत्र में हो, मॉडलिंग के क्षेत्र में, उनके एक अच्छा मुकाम हासिल करा अगर हम पाएँ तो लगता है कि जिस उद्देश्य के साथ हमारा यहाँ पर जन्म हुआ है तो मैं हो सकता है कि कारगर इसमें हो जाऊँ, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यह डांस झारखंड डांस बॉयज ऑफ झारखंड मिस्टर एंड मिसेस की प्रतियोगिता, जिसका धनबाद मॉडिशन हो गया, रांची मॉडिशन हो गया, आने वाले 23 तारीख को जमशेदपुर के और आसपास के जितने भी लोग हैं, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है आप समय लिख लीजिए, 23 दिसंबर को माइकल जॉन में आप सभी लोग आइए। डांस के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में अगर आप अपना कुछ बनाना चाहते हैं तो आप आइए, वहाँ पर अपना ऑडिशन दीजिए। आने वाला समय हो सकता है कि आपको उसमें मैंने प्राइज मनी भी रखी, चूँकि मैं मेरी ये मानना है कि जो भी कलाकार होते हैं वो जरूरी नहीं कि सभी संपन्न घर से हो, तो मेरा उसमें 2 लाख रुपये मैं उसे प्राइज मनी रखा हूँ। जितने भी लोग हैं जो गरीब हैं, चाहे उनको कुछ ना कुछ की माना कि गुलशन को आबाद ना कर सके, लेकिन जिस ओर से गुजरे कुछ खार कम कर गए, ये हमारी चाहत है। आना जो मेरी बातचीत चल रही है कि मैंने प्यार दिया, जो हम लोग बच्चे थे कुछ उम्र बस जवानी जवानी में थे, तो तब के हिट हीरोइन भाग्यश्री जी, उनसे मेरी बातचीत चली। 20 तारीख को जो फाइनले होगा उस फाइनले में भाग्यश्री जी भी उन तमाम बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ी अपॉर्चुनिटी। मैंने प्यार किया मूवी जब सीने जब पर्दे पे चढ़ी थी तो हमें याद है कि वो मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और सबसे बड़ी बात कि मैंने प्यार किया वो मूवी की जो लोगों को रोमांस के साथ साथ एक पारिवारिक कहानी को भी लोगों के साथ पेश किया, उनकी हीरोइन भाग्यश्री अपने आप में बहुत बड़ी एक बेंचमार्क उन सब कलाकारों के लिए। उनके द्वारा आपको प्रेस किया जाएगा, अवार्ड मनी या आपको बहुत सारी सलाह भी मिलेंगी। तो जो कहा गया टैगलाइन, आप में है अगर दम तो मंच देंगे हम, ये टैगलाइन उस संस्था की है कि जो हमेशा कलाकारों को सपोर्ट करती आई है, और उसके पीछे जो हमारे जमशेदपुर कहें, कुल्हान कहें, झारखंड कहें या नॉर्थ इंडिया कहें, उसके दादा साहब फाल्के, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उनके कर्मों से दादा साहब फाल्के मैं उनको कहता हूं, भरत सिंह जी को, जो कलाकारों के लिए डे और नाइट सोचते हैं, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, और ये बहुत बड़ी मदद है उस कलाकृतियों के, उन कलाकारों का और उनके कला का, क्योंकि जो कला से जुड़ा हुआ है वही मानवता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कला और मानवता में कोई फर्क नहीं है, जिसके लिए ये संस्था काम कर रही है। इंडिया टीवी ऑनलाइन के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।